26 दिनों से हमारे देश के गौरव ये नौजवान खिलाड़ी अपनी पीड़ा को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सब लोग इनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए उसमें बेवजह विलंब हो रहा है। समझ से परे है कि विलंब क्यों हो रहा है, और ये बात भी स्पष्ट है, जब इस देश का नौजवान किसान और पहलवान दुखी है तो देश खुश नहीं रह सकता। देश के लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान साथी खिलाड़ी जो देश और दुनिया के पटन पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, उनकी पीड़ा उनकी वेदना को सुनना पड़ेगा। कानून में प्रावधान स्पष्ट हैं, कानून के तहत कार्रवाई हो, और हम इतना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो दुख ये लोग झेल रहे हैं, जो पीड़ा इनकी है, जो वेदना इनकी है, उनको सुनकर सरकार और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे समय से यहाँ पर देश की राजधानी में लोग धरने पर बैठे हैं, इतने सारे लोग इनके रोज़ मिलने के आ रहे हैं, समर्थन देने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि अभी तक इनको पर्याप्त न्याय नहीं मिल पाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, तुरंत प्रभावी कार्रवाई हो ताकि हमारे खिलाड़ी साथी संतुष्ट हो सकें। अनाज ठाकुर ने कहा है कि न्याय संगत कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजनीति करना गलत है। मैं तो कहना चाहता हूं कि न्याय संगत अगर कार्रवाई हो रही है तो ये लोग यहां 26 दिन से क्यों बैठे हैं? अगर ये लोग संतुष्ट होते कार्रवाई से तो इतनी भीषण गर्मी में 27 दिन तक यहाँ पर उनको क्यों बैठना पड़ता? जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है, जो कंप्लेनेंट है, अगर वो न्याय की कार्रवाई से संतुष्ट होते तो यहाँ क्यों बैठे होते? इनकी बात को सुनना चाहिए। बताऊँ, इसमें किसी एक प्रांत की, एक बिरादरी की, एक जाति की, एक धर्म की बात नहीं है। इन सब साथियों ने, नौजवानों ने पहलवानी में मेडल जीते हैं देश के लिए, वो देश का गौरव है। तो आज अगर इनको न्याय नहीं मिलता, ये हम सब के लिए बड़ा दुख का विषय है, बड़ा चिंता का विषय है। मैं इतना आग्रह करूंगा, गुहार करूंगा कि इन लोगों की बात पर सुनकर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा कौन क्या बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इन लोगों को कानून के तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई समय पर हो, ये हम सब लोगों की मांग है।